वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बच्चे पुराण 18 जड़ को अंधे पत्ते खुआवे ये भूल गे सृजनहारा। वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बच्चे पुराण 18 जड़ को अंधे पत्ते खुआवे ये भूल गे सृजनहारा। तो जिस कारण से इस काल ने हमें यहाँ गुमराह किया हुआ है, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान बताते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने का विधान बताते हैं, वो यथार्थ भक्ति, वो यथार्थ मंत्र जिससे मोक्ष हो सकता है और हमारे प्रारब्ध में आने वाले संकट कष्ट जो जन्म जन्मांतर के पाप हमारे जीवन में लिख दिए गए हैं, उनको केवल कबीर देव वो कबीर परमेश्वर ही नाश कर सकता है। जैसे पुण्य से सुख होता है, पाप से कष्ट होता है, दुख होता है। जब तक हमारा पाप नहीं कटेगा हम सुखी नहीं हो सकते। तो उस पाप को काटने वाले केवल कबीर गॉड है, कबीर जी परमेश्वर जी ही वो है। अन्य कोई प्रारब्ध के किसी भी पाप का या किसी भी पाप का और प्रारब्ध के कष्ट का निवारण नाश नहीं कर सकता, केवल कबीर देव कर सकता है। अपुनात्माओं, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और ये अज्ञानी ऋषि महर्षि क्या कहा करते थे, जैसे कोई संकट निवारण करने के लिए ऋषि महर्षि संतों के पास जाते थे, प्रथम तो वो जंतर मंत्र बताते थे, ऐसा कर ले, ऐसा जाप कर, इतना 1000 जाप ये कर ले, 11000 गायत्री जाप कर ले, क्या 11 सरपिये का ये भंडारा करवा दे, सब कुछ कराने के उपरांत भी कोई लाभ नहीं होता था। तो वे क्या कहते थे, वो अज्ञानी और वेद ज्ञानहीन ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण, कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण देते थे, श्री कृष्ण जी ने श्री राम रूप में सुग्रीव के भाई को मारा था, बाली को धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर। वो उसके प्रारब्ध में लिखा गया था, उस प्रारब्ध के कर्म का भोग श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी ने भोगना पड़ा। फिर हम चुप हो जाते थे, हमारे पास तर्क नहीं था, तर्क की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आत्मा में हार नहीं थी। हम ये सोचते थे कि नहीं, भगवान ऐसी कोई शक्ति है जो हमें लाभ अवश्य देगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा से परिचित है कि वो परम शक्ति है। लेकिन अज्ञान ने इसके ऊपर इतने आवरण छा दिया कि ये विश्वास नहीं कर पाती, और लेकिन ये रुक भी नहीं पाती, और जिस कारण से ये कभी की तरह जाड़े लाने वालों के पास, की तरह को भूत प्रेतों के जंतर मंतर करणियों के पास, किसी ऋषि महर्षियों के पास, या किसी मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारों में जा जा के अपनी मन्नतें मांगते हैं और आखिर में ज्यों के त्यों ही रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो विधान, वो सिद्धांत नहीं है, वो मंत्र नहीं है जिससे प्रारब्ध का नाश हो सके। तो एक आम विधान बन गया, सभी ने यह फाइनल कर दिया कि लिखे हुए कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, पाप नाश नहीं हो सकते, पाप कट नहीं सकते, और पाप कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो और वो किसी से बताए कि मेरा पैर में दर्द बहुत हो रहा है, उसने पैर को धो साफ करके बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लग गया है, और वो व्यक्ति यूं कहे, ये वो जो बताने वाला कि कांटा लगा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, अब जूते पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले पीड़ा कम हो, फिर इस डर से जूता पहनेगा वो प्राणी के, हे भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए, उसकी पीड़ा बहुत होती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ये कहते हैं, पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं वो संत गुरु ऋषि महर्षि, और फिर उनसे कोई लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, ये तो आजीवन भोगना पड़ेगा, और भगवान की भक्ति कर ले, भविष्य में दुख नहीं होगा। पुण्यात्माओं, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आई है और उसको राहत मिले नहीं, वो सपने में भगवान ना याद करे, वो कर ही नहीं सकता।
अब वो पाप रूपी कांटा निकला है जिससे पीड़ा टेंशन हो रही है, और फिर वो व्यक्ति भक्ति क्राइस्ट डर से राम नाम का जूता पहनेगा, हे भगवान कहीं फिर बिजली ना गिर जा, इस डर से इस भय से फिर वो सदा भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, क्योंकि उसने आपत्ति को झेल कर देख लिया उसमें कितनी पीड़ाएं होती हैं। और कोई ये कहे कि ये तो कष्ट बना ही रहेगा, आगे भक्ति कर ले, वो सपने में भी नहीं कर सकता भक्ति, ऐसे तो नास्तिक हो गए, पूरा चीन नास्तिक हो गया, जिसमें विश्व की आदि के लगभग जो है जनसंख्या है, और पूरा रूस नास्तिक हो गया, जो पहले सब आस्तिक थे, महात्मा बुद्ध को माना करते थे, उनको महात्मा मानकर संत मानकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया उनके पूर्वजों ने, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला। औपचारिक ज्ञान जो महात्मा बुद्ध ने बताए तो आम माता पिता अपने बच्चों को बता देता है, लेकिन जब तक उसके पास समाधान नहीं है, परमात्मा का सहयोग साथ नहीं है, और वो मंत्र ने जिसे पाप नाश हो, जीव परमात्मा को नहीं मान सकता। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाए, कलयुग में विशेषकर, उससे पहले कोई नास्तिक नहीं था, द्वापर तक आप देख लो सब इतिहास है, चारों वर्ण भक्ति क्रिया करते थे, परमात्मा से डरते थे, आसरा रखते थे भगवान पर। कलयुग में एक विशेष परमात्मा की और काल का एक विशेष वार्ता और संधि हुआ है, एक कंप्रोमाइज हुआ है कि काल ने परमेश्वर से जो पहली बार भगवान रूप बदल कर आए थे, रूपांतर करके अपने पुत्र जोगजीत के नाम से, तो काल ने कहा था भगवान तीन युगों में जीव कम ले जाना, और कलयुग में जब चौथा युग आवे उस कलयुग में आप कितने ही जीव निकाल ले जाना। तो काल ने ये सोच रखा था कि कलयुग में इनको ऐसा बना दूंगा, सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य रहेंगे, और कलयुग में वो पुण्यहीन हो जाएंगे, और अन्य ना जाने कितने पंथ बना दूंगा, ना जाने कितने धर्म बना दूंगा, और इनको नास्तिक कर दूंगा। और आज उसने वो सब काम कर रखा है। तो परमेश्वर ने कहा था कि ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाऊंगा, और चौथा युग में मैं आप देख लूंगा तेरे को। अब ये वार्ता फिर बताएंगे, आज प्रसंग कुछ और है। अब कहने का भाव ये है कि जब तक हमारा पाप नाश नहीं होगा, कांटा नहीं निकलेगा, तो पीड़ा मिटे नहीं, और पीड़ा नहीं मिटेगी तो जूता पहना नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार जो दुखी आत्मा यहाँ आते हैं, यदि वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की जो हम दास नियम बताता है, मर्यादा बताता है, उस मर्यादा में रहोगे तो आप पर कष्ट नहीं रहेगा। आप ये सोचकर आते हो कि आज ही जादू मंत्र जंत्र कर दे गुरुजी, और फिर हम अपने राज्य गुरुजी अपने नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। परमात्मा का उद्देश्य है कि तुम यहाँ आओ, इस ज्ञान से परिचित हो, कुछ ऐसी राहत तो आपको प्रथम दिन ही मिल जाएगी जो सच्चे दिल तक रो कर यहाँ समर्पित होगा। समर्पित का अर्थ है कि हम जो भी मार्गदर्शन आपको करें, भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीनी है, अन्य किसी देवी देवता की भक्ति जो तुम पहले करते थे वो नहीं करनी है, इन सभी मर्यादाओं को जो हृदय से मानकर समर्पित होता है उसी दिन से राहत शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे भक्त और कुछ वो स्वयं भक्त पुस्तक आदि ज्ञान सुनकर पढ़कर आते हैं, तो उनके धारणा ये होती है कि बार चल कर देखता हूँ, राहत मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ कति राहत नहीं मिलेगी, चाहे आइयो चाहे मत आइयो। हमारा उद्देश्य है कि आपको राहत तो अवश्य मिलेगी, गारंटीड मिलेगी, आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं रहेगा, मेरे से लिखवा लो तुम। लेकिन जैसे हम कहें ऐसे करते रहो। आपको बार बार यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आप भगवान से परिचित हो जाओ, और परिचित होने के बाद फिर अननेसेसरी डिमांड खत्म हो जाएंगी, जिनके कारण हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं, और फिर आप देखना प्रतिदिन भगवान कितने सुख देगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो वो परमात्मा वो स्वयं इस ज्ञान को और पाप नाश करने वाले मंत्र इस समाधान को स्वयं ही लेकर आते हैं। किसी भी सदग्रंथ के अंदर सोहम मंत्र नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। केवल एक ओम नाम है, सभी
पवित्र सदग्रंथ, सभी पवित्र सदग्रंथों, मान्य सदग्रंथों में, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनमें केवल एक ओम नाम है, उसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र जाप करने का नहीं है, मोक्ष का सहयोगी आधार नहीं है। और ये हमने सैकड़ों प्रकार के मंत्र बना रखे, हरे राम राम राम, हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम मिला दे, ओम नमः भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ये और भी ना जाने कितने अकाल मूर्ख सब सुर राम अकाल पुरुष सतपुरुख ज्योत निरंजन अरंकार ओंकार, ये अपने आप सट्टे मार रखे, ये कोई मंत्र नहीं है, इनसे कोई लाभ प्राणी को नहीं होगा। आज सुन लो और चाहे 10 साल बाद आपकी जब आँखें खुलेंगी, जब आपको पछताना पड़ेगा कि सचमुच हम गलत साधना कर रहे थे। दास का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन कुएं में गिर रहे हो आप, उससे बचाना मेरा उद्देश्य है कि वहां से तुम हटो, इस रास्ता को चेंज करो, सद्भक्ति करो, फिर आँखों देखो सदग्रंथों में क्या लिखा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ये काल बोलता है श्री कृष्ण जी में, ये ब्रह्म है, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, मेरे जाप का और कोई मंत्र नहीं है, और मोक्ष सहयोगी यही मंत्र है। और जो अंतिम श्वास तक यानी शरीर छोड़ते समय तक इसका जाप करता हुआ जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली जो गति है उस गति को प्राप्त करता है। लेकिन गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरे वाली गति अनुतम है, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में। इसलिए उसने कहा अर्जुन तो सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां जो अपना मंत्र उसने ओम बताया कि लेकिन ये पूर्ण रूप मोक्ष मार्ग नहीं है, ये अनुतम गति होती है, जन्म मृत्यु जब तक जीव की है ये अनुतम है, उत्तम नहीं है। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्ता है, उस सचिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, और इसकी 3 प्रकार से सिमरण की विधि है, त्रिविधा। अपनात्माओं, गीता ज्ञान दाता ने अपना ओम नाम तो डिक्लेयर कर रखा है, सार्वजनिक कर रखा है, और तत् और सत ये सांकेतिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 प्रभु हैं, 3 पुरुष हैं, 1 सर्वपुरुष, 1 अक्षर पुरुष, और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते हैं, वो श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है, और वही 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि अर्जुन किम तत् ब्रह्म, अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो बताया है कि उस तत् ब्रह्म को जो जानता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और जो सभी कर्मों से परिचित है, जैसा मैंने ज्ञान बताया है 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से वो तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जिसके विषय में 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मणे मुखे यानी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बहुत विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। कहते मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय ले लेता है और फिर वो तत्वब्रह्म से, वो फिर जन्म और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, वृद्धावस्था और मृत्यु, इस जीव के ऊपर सबसे बड़ा दुख है वृद्धावस्था, बुढ़ापा और फिर मौत, ये दोनों नागवारा हैं और ये दोनों आवश्यक हैं, होगी यहाँ पर, और ये सतलोक में नहीं होते थे।